कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए हैं, डिजिटल लिटरेसी बढ़ गई है। अभी अगर अगले बार जब सेंसस होगा तब हम इतना तेजी से प्रयास करें देश अगले सेंसस में ही 100% साक्षर दिखे, यह हमारी चुनौती है और ये विकसित भारत का पहला स्तंभ होगा, पहला शर्त होगा। डेवलप्ड कंट्री की यही शर्त होगा कि 100% लोग कॉम्पिटेंट होंगे, सक्षम होंगे, साक्षर होंगे, ज्ञान उनके पास रहेगा, जो बहुत सारे भारत में लोग, भारत में गांव में तथा कथित निरक्षर लोगों को मिलो तो रामायण की पूरा कहानी कह सकते हैं। उन्होंने रामायण नहीं पढ़ा है, वाल्मीकि जी को नहीं पढ़ा है, तुलसीदास जी को नहीं पढ़ा है, उन्होंने हनुमान चालीसा गा भी सकते हैं लेकिन पढ़े नहीं होंगे, अभ्यास से कर लिए। हमारी देश में लोक परंपरा, लोक कथा और लोक भाषा और लोक ज्ञान से हम चलते हैं, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री में हमें उसको फॉर्मलाइज करना है। भारत सरकार की शिक्षा विभाग अनेकों दिनों से ये दायित्व लिया है। प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता था, मैं उसको अभी सहमत उसमें से बहुत नहीं होता, कोई प्रौढ़ नहीं है, बहुत नए पीढ़ी की लोगों से लेके जीवन की अंतिम क्षण तक लोग सीखते हैं। सभी को आज की आवश्यकता की शिक्षा उल्लास, ज्ञान और योग्यता, दक्षता, इसलिए स्किल सेक्रेटरी भी यहां थे। इसमें तीन चीज का मैं अनुरोध करूंगा, मैं कोई मार्गदर्शन नहीं करता हूं क्योंकि मेरे कई सारे सुझावों को विभाग फाइनली अपने तरीके से ही चलाता है। अभी भी मेरा मत है कि कभी तो उजास में यहां के पहली बार मेरे साक्षरता आज बढ़ी है और मेरे में ही कुछ कमी था, इसलिए उजास अभी भी चला है, वास्तविक है तो उल्लास ही है, उल्लास ही चलाना है। इसलिए जो संबंधित मित्र, मैं राज्यों को उसमें अपेक्षा नहीं रखता हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे दफ्तर और मेरे जो एनसीईआरटी है इन्हीं की अति ज्ञान की ये प्रतिफलन है। और मेरा निवेदन रहेगा कम से कम देश को एक सूत्र में बांधना है, एक सामाजिक जन आंदोलन में परिवर्तन करना है, इसकी नाम है उल्लास। जो राज्य की मित्र, बहुत सारे राज्य के मित्र उल्लास में उसको साहित्य को परिवर्तन कर चुके हैं, आप उनको साहित्य में परिवर्तन कर दीजिए। इसमें दो चुनौती में दिखता हूं मैं, आज सारे स्टॉल्स देखा, सभी स्टॉल्स अपने में एक से बढ़कर एक था, सबने ईमानदारी से उसके ऊपर कोशिश किया है, सबके प्रयास को मैं सराहना करता हूं। लेकिन मैं एक मॉडल देखा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति को 40-50 साल हो गया है, उनको सारे व्यवहारिक ज्ञान आता है, अक्षर ज्ञान नहीं आता है, उसको बड़ा किताब, अरे किताब को ही तो दिख क्यों भाग गई थी स्कूल से, अभी भी फिर आप उसको किताब दिखाओगे वो आपके पास नहीं आएगा। मैंने मध्य प्रदेश की, कर्नाटका की, तमिलनाडु की तीन मॉडल देखा, नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य की भी मॉडल देखा, जिन्होंने उसमें थोड़ा गहन दिमाग लगाया है। एक सामान्य व्यक्ति को अ कैसे सिखाना, उसको किताब से और सिखाओगे तो भागेगा आपसे। संख्या मेरे को चैलेंज नहीं लगता है क्योंकि उसको दिहाड़ी कमाना है, दिहाड़ी आप एक आना भी उसे कम नहीं कर सकते हो, उसके हिसाब किताब उसको आ ही जाता है, उसको फॉर्मलाइज करना है। लेकिन मैंने देखा बहुत खेल खेल में, और जो हमारी सोनी बेटी ने जो उद्देश्य समझाया, पद्धति को सरल बनाना, सरल से सरल बनाना, उसको आमोददायक बनाना, आनंददायक बनाना, उसी की नाम है उल्लास, तब ग्राह्यता बढ़ेगी। लोकभाषा हो, रोजमर्रे की जिंदगी की बातों के साथ जुड़ के अगर वो ज्ञान वितरण की पद्धति हम बनाए, और मैं यहाँ जो शिक्षकों को दिखता हूँ, अभी सोनी जी से लेके हमारे सालूजा जी तक,
चुनौती है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो जिंदगी की उलझन के कारण, चुनौतियों के कारण, सामाजिक दायित्व के कारण बेचारा पढ़ नहीं पाया, उसको अभी साक्षर करना। टीचर के ऊपर, शिल्पकार के ऊपर चित्र की आकार निर्भर करता है, उसकी कल्पना, उसकी समझाने की तरीका ये एक जैसे नहीं हो सकता है। भले ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी उसके एक ब्रॉड गाइडलाइन दे दे, लेकिन यह निर्भर करता है क्यों शिक्षा चाहिए। इसीलिए मैं उसको आज कहा मैन ऑफ द डे, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई, एक मौसी को उन्होंने समझाया कि मौसी तुम अगर अकेले जाएगी बैंक को, बैंक चला गया यानी डिजिटल लिटरेसी से जुड़ गई है, क्योंकि मोदी जी ने सारा देनदारी अभी बैंक में दे रहे हैं। 30 करोड़ जनधन खाते खुल गए हैं, बहनों के पास खाते की जानकारी पक्की है, लेकिन बैंक जाएगी तो कौन सी बस में जाएगी, इसको पूछने के लिए उसमें आत्मविश्वास होनी चाहिए। यह शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।